Okay, die Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the creator, the sustainer, and the Lord of heavens and of earth. So welcome to your online session of PPSC and FPSC lectureship with me. My name is Jahanzeb, and you know me through my channel, Jahanzeb Jahan Online. So welcome to the class, and today we are having orientation session. And we just had introduction with all the people here. So now bit introduction from my side. I am Jahanzeb and I am MPhil Applied Linguistics from the University of Management and Technology. I have done my master's from FC College and I have been a topper throughout my career. So this idea came to me in the time when the COVID started. So usme I built up my channel or isme I have tried providing all the best possible videos on literature and linguistics too. So this channel is about all the things that are related to the jobs and interviews and previous papers. Today we are talking about PPSC and FPSC. So these are two सिलेक्शन बोर्ड्स जिसमें आप लोग सिलेक्ट होते हैं 17th स्केल की लेक्चरशिप एग्जाम के लिए. ये हमारा सेकेंड बैच है. फॉर्चुनेटली जो हमारा फर्स्ट बैच था इट वॉज सो सक्सेसफुल कि उस बैच में अल्हम्दुलिल्लाह 15 लेक्चरर्स दे वर सिलेक्टेड. सो पीपीएससी के जरिए 15 लेक्चरर हमारे सिलेक्ट हुए थे और अब वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे दे आर गेटिंग एलोकेशंस और दे विल बी सून गिवन देयर ऑर्डर्स और प्लेसमेंट. सो ये एक बड़ी मेहनत का टास्क है, बड़ी हिम्मत का टास्क है कि स्टडिंग ऑल द वे एंड देन गोइंग थ्रू रिटन टेस्ट क्लियरिंग दैट एंड देन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आफ्टर दैट योर सिलेक्शन. सो दैट इज रियली एन अचीवमेंट. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन माई पार्ट. अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि 15 लेक्चरर्स एक ही बैच से सिलेक्ट हुए. उनके इंटरव्यूज भी मैंने अपने इस चैनल के ऊपर शेयर किए. सो नाउ वी आर हैविंग सेकेंड बैच ऑफ इट. सो इन दिस सेकेंड बैच वी आर लाइक हैविंग थ्री थिंग्स इन वन. जो फर्स्ट बैच था उसमें एक्चुअली हमने एमसीक्यूज को अलग देखा था, जो सब्जेक्टिव आइटम्स थे उनको अलग देखा था और इंटरव्यू क्वेश्चंस को अलग देखा था. लेकिन इस बैच में विल ट्राई टू हैव ऑल इन वन. सो व्हाट वी विल डू बेसिकली हम कल से इसको बकायदा यानी 16th ऑफ सितंबर से इसका बकायदा आगाज करने जा रहे हैं. सो डेली वी विल बी गोइंग थ्रू वन लिटरेचर पार्ट, वन लिंग्विस्टिक पार्ट एंड वन पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो कोशिश करेंगे हम ज्यादा को भी करें. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट टुमारो, सो कल हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक थिएटर पे और उसके साथ ही रिलेटेड ईडिपस रेक्स, जिसमें उसकी ट्रायोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा. ग्रीक थिएटर और ईडिपस रेक्स इस हवाले से एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद विल टच एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो सैक्सन यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसको हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव और उसके एमसीक्यूज को. एंड देन विल कम टू लिंग्विस्टिक्स और हम लिंग्विस्टिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे. सो इन सम डेज सिंस हिस्ट्री इज हैविंग सम पार्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स इज हैविंग वेरी फ्यू चैप्टर्स, देन विल बी लेफ्ट विद लिटरेचर. सो जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें वैसे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉन्टेंट है, लेकिन प्राइमरीली विल बी फॉलोइंग द कोर्स आउटलाइन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको हम फॉलो करेंगे. सो उसको ये जो कोर्सेज हैं ये एट द सेम टाइम मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ इधर ऑनलाइन भी और अपनी अकेडमी में भी, जिसका नाम खेल्ट है, दैट इज लाइक रन बाय माय ब्रदर. सो उनके साथ मैं हेल्प कर रहा हूँ उनकी. सो वहां पे भी ये कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिकली हम इरा वाइज चलेंगे और इरा के साथ साथ विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट फेमस ऑथर्स फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटी सिलेबस. Primarily Punjab University ke syllabus ko hum focus karenge and then we'll go to all the universities and touch the important works of important authors, poets, writers, novelists. So ye jis tarah tentative list maine aapke samne share ki hui hai,
सो इसमें यू कैन सी अ टेल ऑफ टू सिटीज, एडम बीड ये नॉवेल्स हैं, एड्रियन रिच एंड सिल्वा प्लैथ एंटिग्नी जो कि ग्रीक है, बैकग्राउंड ऑफ 14th सेंचुरी, फ्रांसिस बेकन, चौसर्स इंट्रोडक्शन, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जॉन डन, डॉक्टर फॉस्टर, हेमिंग्वे, डिकिंसन, ग्रीक ट्रेजेडी एंड सो ऑन, यू नेम इट एंड दीज टाइटल्स आर देयर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टाइटल्स वन बाय वन इन आवर सेशंस. सो आपको अभी बताने का मकसद ये था कि यू कम प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज क्लास, कल के लिए जिससे हमने डिस्कस करना है ग्रीक ड्रामा, तो आप उसको अपने तौर पे पढ़ के आए. सो दिस इज लिंग्विस्टिक पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे. सो आपके लिए ये है कि कल के लिए ग्रीक ड्रामा, उसका ओरिजिन, ईडिपस, ये सब कुछ आप एक बार नजर देख के आएंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली आसानी होगी सुनने में. अगर नहीं भी आएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि आपको यहाँ पे ऐसे समझाया जाए कि आपको उस चीज की क्लैरिटी हो जाए. एक चीज का ख्याल रखें कि देर आर सर्टेन पीपल हु आर वेटिंग फॉर दिस थिंग कि हम पीपीएससी की उन जॉब्स का वेट कर लेते हैं, तो जैसे ही एड आएगा तो हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे. सो रिमेम्बर दिस इज नॉट educator's job, this is not a 14 scale 15 scale job, this is direct 17 scale job. College ki lectureship ko main school ki teaching ke upar prefer karta hoon. Reason kya hai, kyunki iske andar school teaching mein yes aap bahut acha invest kar rahe ho, bachon ko padha rahe ho, apne services de rahe ho, that is a noble profession, ye bhi noble profession hai, teaching to ye bhi hai, lekin yahan pe what makes it different is yahan pe aapke apni learning ke chances hai. So those people जो कि वेट करते हैं एड का टू प्रिपेयर देमसेल्फ, उनमें से सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो लकी होते हैं. दोज पीपल आर नॉट सिलेक्टेड जो कि शॉर्ट रन में वन मंथ टू मंथ की प्रेपरेशन करते हैं जस्ट एमसीक्यूज को गो थ्रू करके, क्योंकि एमसीक्यूज आर दोज थिंग्स समटाइम्स गलत पढ़ लेते हैं, वो बुक्स के अंदर गलत लिखे होते हैं और कई दफा एमसीक्यूज उन्हें भूल भी जाते हैं. So I'm also coming up with a book which should be authentic one. Uske andar ek huge selection hogi, around 10,000 MCQs, jo ke main aapke initial exam se pehle publish kar dunga. That will be with you guys. Aap usse bhi help le sakte hain. Lekin yahan pe ye hai ki hum subjective padhenge pehle aur phir hum uske objective type ko dekhenge. Yani subjective padhane ke baad ek tarah se chota sa test liya karunga main aap logon ka class mein hi, aur usse hi un MCQs ko dekh liya karenge. And then we'll go to हिस्ट्री पोर्शन और उसमें उसको डिस्कस करने के बाद विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज एंड देन लिंग्विस्टिक पोर्शन. सो दिस इज ऑल लाइक माय टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको हम कवर कर रहे हैं. बाय द एंड ये होगा कि विल कम लाइक इन आई होप टू कंप्लीट दिस कोर्स इन 2 मंथ्स, 4 डेज अ वीक, 7, 8 to 9:30 हमारी क्लास का टाइम है और क्लास जो डेज है हमारे as per we decided Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday. So in case you are unable to take the class, so I'll try ke recordings uski maujood ho taki aap ek hi go mein us class ko dekh liya karo. Lekin make sure that aap iske habitual na ho, kyunki aap ek bar recording ke chakkar mein pad jaoge to definitely you're not going to have that benefit. Isme ye hota hai ki normally aap question bhi kar sakte ho after the class और विद इन द क्लास, इवन बाद में हम जब रिकॉर्डिंग पे रहते हैं तो फिर नॉर्मली हम उसको पिकअप नहीं कर पाते. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज अटेंड द क्लासेस. और ये जो जिस बैच का मैंने नाम लिया उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि 15 सिलेक्ट हुए, हु लाइक हु वर लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कॉन्टेक्ट विद मी, और हम गाहे बगाहे लिटरेचर को यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में डिस्कस करते रहते थे. सो दे वर द लकी वंस जिनकी जिनका हार्ड वर्क उनके काम आया एंड दे वर द सिलेक्टेड वंस. सो आपके लिए भी यही मेरी एक तरह से विश है कि आप लोग इस चीज को लाइक 2 मंथ्स के बाद इसको फॉरगेट ना करें. पीपीएससी की जो जॉब्स हैं दे कैन कम एनी टाइम, ठीक है, कहने को 3 महीने में आ जाए, कहने को 3 साल में आ जाए, लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर ourselves. सो वंस यू गो थ्रू दिस कोर्स, इसका पूरा कोर्स पैक आपके पास मौजूद होगा. आई विल बी सेंडिंग यू द स्लाइड्स, उनके हैंड आउट्स में आपको भेज दिया करूंगा, सो यू कैन हैव देम विद यू एंड यू कैन लाइक रिफर टू देम एनी टाइम. सो लाइक नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन.